तो दोस्तों इस वीडियो में हम बनाने वाले एक खतरनाक चीज़, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलते हुए, वो है वेल्डिंग मशीन। ये वेल्डिंग मशीन मार्केट में 5,000, 10,000, 11,000, 12,000 उसके हिसाब में मिलता है। मैं बना के दिखाऊंगा 10 रुपये के अंदर, 10 या 5 रुपये में एक वेल्डिंग मशीन बना के दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा वेल्डिंग मशीन बनाना। हमारा वेल्डिंग मशीन कैसे बनाते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक पीवीसी का लगा पाइप लेंगे, पीवीसी का लकड़ा ले लेंगे, इस लकड़े में दो होल कर लेंगे और दोनों होलों में ऐसे दो रॉड घुसा लेंगे। घुसाने के बाद ऐसे एमसील से पैक कर लिया हूँ, थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए दोनों के बीच। आप अगर आपके पास ये पीवीसी का लकड़ा नहीं हो तो आप एक साधारण सा लकड़ा यूज कर सकते हैं। ऐसे बनाते हैं और ये दो रॉड ऊपर थोड़ा छोड़ने का है, ये लंबा है इसलिए लंबा छोड़ा हूँ तो अंदर इतना बैठेगा। सिंपल से एक ऐसे वायर ले लेंगे, इस वायर के सामने एक स्विच लगा लिया हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंस छुपा है, इसमें बहुत सारे आइडिया छुपा है। और हम एक इस दोनों में से एक वायर को ऐसे बीच में से काट के छीन लिया है, एक वायर को छीन लिए और दो वायर छीन लिए, एक वायर को ही काट के दो छीन लिए और ऐसे हमारा एंड में ऐसे दिखेगा। तो बाद में बोलूँगा कि इस एंड में क्या लगाना है तो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो बीच में काट लिया तो ना हम यहाँ पे लगा लेंगे, अच्छी तरह से लगा लेने का, एक भी तार बाहर नहीं आने का है, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। यहाँ बांध के यहाँ टेप लगा लेने का है और यहाँ पे भी बांध लेने का है, अच्छी तरह से देखेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो गए तो वर्क नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है। यहाँ पे टेप से सिक्योर कर लेंगे, ऐसे सिक्योर कर लिया है और यहाँ से दो स्विच स्विच में लगेगा है और यहाँ से यहाँ पे क्या करना मैं बता दूंगा। यहाँ पे ध्यान रख के ये वायरिंग कीजिएगा, अच्छी तरह से टेप लगा लेंगे, अच्छी तरह से प्लास्टिक से सिक्योर कर लीजिएगा। आप मेरा एक सलाह है कि ये प्लास्टिक का ही लीजिए, नहीं तो लकड़ा अगर पानी में गिर गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए प्लास्टिक की लीजिए। तो हम बनाते हैं हमारा वेल्डिंग रॉड, ये है हमारा वेल्डिंग रॉड, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये बनाने में। हमने एक सिंपल सा एक 2 इंच का पीवीसी का पाइप ले लिया है और इस ऐसे काट लिया हूँ, एल शेप में काट लिया हूँ और इसमें होल डाल के ऐसे कोई नट बोल्ट अंदर डाल के एमसील लगा लिया हूँ। और एमसील लगाने से पहले हमने एक वायर ये अंदर से आके इस नटबोल्ट को अच्छे से फिट करके एमसील लगाया है और इसे खुला छोड़ दिया। और अब क्या करना है बोले तो, ऐसे कोई लकड़े का टुकड़ा ले लीजिए जिसमें होल हो और इसे फंसा ले। ये लकड़ा का टुकड़ा क्यों बोले तो, हमारा वेल्डिंग रॉड अच्छे से बैठता है इसलिए हमें यहाँ लगाना जरूरी है। यहाँ हम टेप से सिक्योर कर लेंगे, ये है हमारा टेप और इससे हम सिक्योर कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इसे सिक्योर कर लिया है, अब क्या करना है बोले तो, ऐसे वेल्डिंग रॉड लेने का है, एक कोई भी वेल्डिंग शॉप में मिल सकता है, 5 रुपये का खर्चा यही है। और ये क्या करना है बोले तो, ये वेल्डिंग रॉड लास्ट में थोड़ा सीधा रहता है, इसे क्या करना चाहिए बोले तो, ऐसे यू शेप में घुमाना चाहिए क्योंकि या सीधा तो या सीधा यहाँ हमारे वेल्डिंग पाइप पे नहीं बैठता, इसके लिए इसे डाल के थोड़े नट बोल्ट से फिट कर लेने का है। तो दोस्तों हमने इसे टेप से सिक्योर कर लिया, अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया, हमारा वेल्डिंग पाइप क्या है ऐसे वर्क करेगा, इसमें बाजू में रखते और हमारा वो ये वेल्डिंग सर्किट ले लेते हैं। इस दो एंड में दो वैसे ही वायर छोड़ दिए थे ना, उसमें क्या करना है बोले तो,
एक ऐसे कोई लोहे के पत्ते ले लेंगे, मेरे पास यही मिला इसलिए मैं यही ले लिया हूँ। जो हमने दो वायर काट लिए थे ना, उस जो वही जो वायर अंत में आता है ना, उसे हम यहाँ पे लगा लेंगे, इसे अच्छी तरह से बांध लेंगे। और हमारा वेल्डिंग पाइप ले लेंगे हम, जो हमने वायर बिना काटा हुआ वायर है ना, जो एंड में आता है, वही वायर हमें ऐसे घुमा लेने का। यहाँ टेप लगाने का जरूरी नहीं है, पर यहाँ टेप लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ अच्छी तरह से टेप भी सिक्योर कर लिया है। अब हमारा काम बन चुका है। अब क्या करना बोले, साइड में हटा देता हूँ। ऐसे कोई कैन लीजिएगा, इसको आधा कट कर लीजिएगा। आधा कट करने के बाद हमारा कैन ऐसे दिखेगा, ऐसे कैन दिखेगा। ऐसे थोड़ा कट कर लीजिएगा क्योंकि ये लगना बैठेगा यहाँ। ये क्या करना है बोले तो, ऐसे अंदर ऐसे बिठा देना है। ये बिठाने के पहले क्या करना है बोले तो, थोड़ा सा नमक लीजिएगा, थोड़ा तीन चम्मच नमक लीजिएगा, एक दो तीन चम्मच नमक ले लिया हो, और थोड़ा पानी डाल दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने नहीं का। मिक्स करने के बाद क्या करना बोले तो, ये हमारा ऐसे डाल देने का, ऐसे बिठा देने का है। अब इंतजार इतना है कि हमारा स्विच में डाल के हमारा वेल्डिंग मशीन टेस्ट कर लेने का है। तो चलो इस स्विच को यहाँ लगाना है। इससे पहले सेफ्टी के लिए मैं ग्लोव्स पहन लेता हूँ। ग्लोव्स पहन लिया और ये रबर शूज। अब लगाते हैं इसे स्विच में। स्विच में लगा दिए और बटन डाल दिए। अब ये वर्क करेगा यहाँ नहीं, टेस्ट करेंगे। हम टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये स्पार्क आ रहा है जैसे वेल्डिंग मशीन में आता है। थोड़ा टाइम ले लेता है। घर में मिलने वाले आसान से कंपोनेंट से एक वेल्डिंग मशीन बना दिया, वो भी 10 रुपए के अंदर। वो वेल्डिंग शॉप से लेके आने का मैं सलाह देता हूँ। ये चीज आप घर में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल रॉयल भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी दबाना ना भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।